नमस्कार दोस्तों, आर्य सोम रेसिपी में आप सभी का स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम साबूदाना की खिली खिली खिचड़ी बनाना बताएंगे। तो अगर रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। तो देखिए, साबूदाना जो लिया है, इस तरह हमने बड़े साइज़ के साबूदाने लिए हैं। थोड़ी सी खिचड़ी बनाने के लिए बड़े वाले साइज़ के ही अच्छे लगते हैं। तो देखिए, साबूदाने को 5 घंटे पहले 2-3 पानी में इसको धुलकर भिगो देना है, तो अच्छे से साबूदाना फूल जाता है। तो इसको हमने लगभग 5 घंटे पहले अच्छे से धुलकर भिगो दिया था, तो साबूदाना अच्छे से फूल गया है। तो अब देखिए, खिचड़ी बनाना शुरू करेंगे। तो देखिए, एक पैन लेंगे, इसको गैस चालू करके हमने गर्म होने के लिए रख दिया है। अब इसमें थोड़ा सा तेल डाल देना है। तो देखिए, तेल गर्म हो चुका है। अब देखिए, जो मूंगफली ली है इसमें डालकर इसको भून लेना है। तो देखिए, मूंगफली को अच्छे से भून लेना है। तो देखिए, मूंगफली पक चुकी है, इसे निकाल लेना है। तो देखिए, थोड़ा सा तेल बचा हुआ है और तड़का लगाने के लिए थोड़ा सा और डाल देंगे इसी में। तो देखिए, इसमें जीरा डाल देंगे, तो दो हरी मिर्च कट करके इसमें डाल देंगे। देखिए, आधा इंच का अदरक का टुकड़ा छोटा बारीक कट करके डाल देना है। आठ दस करी पत्ता डाल देंगे। देखिए, यहाँ पर हमने 8-10 करी पत्ता डाल दिए हैं। अगर आपको कम पसंद है तो थोड़ा सा कम ही डालिएगा। अब देखिए, यहाँ पर 2 मीडियम साइज के आलू कट करके लिए हैं। तो देखिए, आलू को उबाल कर कट कर लिया है। देखिए, 2 मिनट तक इसको भून लेंगे ताकि अच्छे से आलू क्रंची हो जाए। तो इस तरह देखिए, इसको लगभग हमने 2 मिनट भूनिया। आलू बहुत ही अच्छे से भून चुके हैं, तो ये अच्छे से भून लेना है, तो खिचड़ी का जो टेस्ट है बहुत अच्छा होता है। तो देखिए, जो साबुदाना लिया है इसमें डाल देंगे। देखिए, इसमें स्वाद अनुसार सादा नमक डालेंगे। तो देखिए, आप अगर घर के लिए बना रहे हैं तो यहाँ पर सेंधा नमक का यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए, 1/4 चम्मच यहाँ पर आप काली मिर्च पाउडर यानी ब्लैक पेपर इसमें डाल देंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करके इसको ढक देंगे और ढक कर इसको 4 से 5 मिनट पकाएंगे थोड़ा सा। तो देखिए, बीच बीच में इसको चलाते रहना है, या तो आप इसको खुला ही रहने दें और बीच बीच में इसको बराबर चलाते रहना है। तो लो मीडियम फ्लेम पर इसको थोड़ा सा हम ढक कर पका लेंगे। तो इस तरह देखिए, इसको हमने ढक कर लगभग 2-3 मिनट पकाया है, तो बीच बीच में चलाते हुए। अब ये देखिए, खिचड़ी पक चुकी है। तो देखिए, इसमें जो मूँगफली ली है उसको डाल देना है और अच्छे से मिक्स कर देना है। तो अब देखिए, यहाँ पर हमने आधे नींबू का रस जो इसमें डाल देंगे, इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाएगा। इसको भी इसी में मिक्स कर देना है। तो देखिए, अब ये बन चुकी है, पक चुकी है अच्छे से साबूदाना। इस तरह आप देखते हैं कितना अच्छा, बिल्कुल अलग अलग हर दाना है, बहुत ही अच्छी खिली खिली बनी हुई है। तो हमने गैस को बंद कर दिया है। अब देखिए, कटा हुआ हरा धनिया लेंगे और ऊपर से इसको डाल देना है। तो इस तरह देखिए, हरा धनिया डालकर इसको भी मिक्स कर दिया है। तो देखिए, खिचड़ी बनके तैयार है और बहुत ही अच्छी, इसका दाना दाना बिल्कुल अलग है, बहुत ही अच्छी, बिल्कुल भी चिपकी नहीं है, आप देख सकते हैं, और बहुत ही अच्छी बनके तैयार हुई है। तो अगर आप इस तरह से बनाते हैं तो बहुत ही अच्छी खिली खिली खिचड़ी बनकर तैयार होती है। तो दोस्तों, आप इसे व्रत में भी खा सकते हैं। तो देखिए, जो नमक लिया है सादा नमक, उसकी जगह पर आप सेंधा नमक का यूज करके व्रत में भी इसे खा सकते हैं। तो अगर हमारी ये रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नई रेसिपी के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।